लोग आते हैं और खेल कर चले जाते हैं अब जिंदगी भी लूडो की तरह हो गई है दोस्तों लोग आते हैं और खेल कर चले जाते हैं तो प्लीज लाइक माय चैनल ऑन YouTube. एंजॉय दिल से तुमको देखा तो तु ये खया लाया गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों सुबह की शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग नंबर है सिक्सटी सेवन जी हाँ दोस्तों सिक्सटी सेवन दोस्तों सुबह की शुरुआत करेंगे डोलगोना कॉफी के साथ और डोलगोना कॉफी लाया हूं मैं रेडीमेड बाजार से सिर्फ और सिर्फ पांच रूपए का एक पाउच दोस्तों जी हाँ दोस्तों नजर चाहिए ढूंढने के लिए और प्यार चाहिए दोस्तों हाँ, बड़ा पूरा पैकेट नहीं ट्राई करना हो तो छोटा पैकेट और दोस्तों ये डोलबोना काफी बन रही है मिस राजपति ने लिए हैं दो कप मुझे लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आया कुछ गुड़िया से पूछा एक्चुअली में जो आप बनाते हो वो पेस्ट ज्यादा बनाते हाँ। हो और इसमें पेस्ट जो है वो कम है कम है मैं कैसे करूँगी अब आपको चाहिए पेस्ट ज्यादा तो आप पाँच में जितना वो पेस्ट दे सकते उतना ही तो देंगे ना उनकी भी तो सोचो थोड़ा सा ठीक है तो पर मुझे अच्छा नहीं लगा इसका टे, टेक्सचर नहीं अच्छा लगा रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना <laughs> तो हंसी खुशी मनाइए अपने घर में खाना या जो भी एंजॉय करिए दिल से और जरूरी नहीं है कि हम करें आप भी कीजिए एंजॉय कीजिए दिल से और लव यू ऑल आइए दोस्तों आज एंजॉय दिल से किचन में आपको लेके चलते हैं और अंडे उबालने के, के लिए रख दिए दोस्तों गोभी भी उबुलने के लिए रख दिए ये उबल चुके हैं दोस्तों तैयार हो चुके हैं तो इनको बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों एक काम करते हैं गोभी को अलग कर लेते हैं और अंडे को छील कर अलग कर लेते हैं दोस्तों अब इसमें हमें चाहिए क्या क्या आप दोस्तों इसमें हमें चाहिए सबसे पहले अपना दिल की जान भारत की शान खड़े मसाले और दोस्तों ये है मिक्स मसाले टमाटर हरी मिर्च और मसाले तो दोस्तों इसके बाद जो हमें चाहिए पीनट बटर पीनट बटर का बताएंगे आपको बाद में ब्रेड का बताएंगे आपको बाद में एक कटा हुआ प्याज है दोस्तों अदरक के लच्छे हैं दोस्तों और दोस्तों ये हमारा सारा सामान हो गया तैयार तो दोस्तों आग लगा देते हैं दोस्तों हम्म कुछ ऐसे ही और तेल हो गया दोस्तों गरम और इसमें डाल देते हैं दोस्तों अदरक के लच्छे अच्छा एक चीज और मैं बता दू आपको कि गोभी जो है क्या कह रही थी आप मसल्लं। गोभी गोभी गोभीम तो बना रहे हैं उसकी जैसी है वही नहीं है रेसिपी नहीं गोभी के पत्ते के बारे में कुछ कह रहे थे गोभी के बारे में मैं कह रही थी गोभी अभी नहीं आई है तो उसको उबालना ज्यादा ठीक रहेगा हल्के मतलब नमक में थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लें तो दोस्तों इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं अच्छा तो उससे क्या होगा फिर गोभी को उबालने से नमक में उबालने से कहते हैं कीड़ा वगैरह होता है तो हट जाएगा अच्छा 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 इसलिए पहले उबाल लिया है थोड़ा हाँ, डिफरेंट कर दिया अब ये दोस्तों में डाल दिया प्याज करता आपको अगर तलना पसंद है कर लीजिए लेकिन मैं, मैं बहुत ही डिलीशियस लग रहा है दोस्तों आज कुछ आइटम मेरे को आज कुछ कुछ दोस्तों मजा आने वाला है बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है दोस्तों लेकिन बनेगी जब जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों और ये कौन सा लसन लिया हमने ये हमने दबाया लसन को जी 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 क्या, कुटा लसन है अच्छा कूट लिया एक तरीके से मतलब साबुत लसन को मैंने कूट लिया इसे बहुत ही बेहतरीन और ये क्या कर दिया इसके ऊपर चाकू चला दिया आपने स्लिट, तो हाँ किया किया वा, वाह 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 वा। तो ये... ये क्यों किया आपने मसाले इसके अंदर चले जाए वाह तो अब इसके अंदर छोड़ देंगे इसको हाँ फ्राई तो करना है ना प्याज साइड में कर दू बीच में जगह बना देते हैं बीच में जगह बना रहे हो आप अरे वाह क्या बात है ऐसे फैमिली में आके लड़कियों को जगह बनानी पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत बहुत ही हाँ। बहुत बेहतरीन बात बताई है मिस राजपूत बहुत ही बेहतरीन क्योंकि लड़कियां बना लेती हैं जगह कभी देखा है किसी लड़के को जगह बनाते ससुराल में नहीं, नहीं 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 ये बात कोई एक आधा ही होता होगा जो बनाता है तो देखिए दोस्तों कुकिंग भी हो रही है साथ में बातें भी हो रही है दोस्तों मजा आ रहा है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब किचन है दोस्तों हमारी अब मैंने गोभी अभी नई फसल है इसलिए थोड़ा रिस्क ना लेके उबाल लिया अंडे अलग गोभी अलग टमाटर वाटर सब अलग क्या बात है क्या बात है गोभी भी तेल में फ्राई हो रही है अंडे भी फ्राई हो रहे हैं और साइड में कर दिया मैंने मसाला वाह पूरा तेल का यूज वाह 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 वा। और क्यूँकी ये बड़ा फ्राइंग पैन है बहुत बेहतरीन एकदम अलग अलग कर दिया कितना मजा आ रहा देखिए था करेंगे इसको मिक्स और ये क्या करिये मैम अभी जितनी देर में मेरे पराठे बनेंगे तो बच्चे अच्छा कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा उनके लिए ठीक तो है, है दो सैंडविच बना के दे देती हूँ बहुत ही लाजवाब वो जिम करता है इसलिए बटर नहीं लगवा रहा मन उसने बोला मेरे को पीनट बटर लगा प्यार कितना अच्छा इसके हम नहीं लेकिन पीनट बटर उसके लिए जरूरी है क्योंकि वो न्यूट्रोलाइट भी नहीं मना कर दिया ना उसने बिल्कुल बिल्कुल की मैं नहीं खाऊंगी ये अंडे के स्लाइस डाल दी है क्या बात है थोड़ी सी मैंने ग्रेवी डाल दी और अंडे के स्लाइस पे टमाटर वगैरह अब देखिए अपना अपना टेस्ट है दोस्तों पीनट बटर आप लगाए ना लगाए ये एक हम लोगों का जो है ना दोस्तों अलग ही चाल है खाना बनते बनते बच्चे कुछ क्या मांग रहे हैं थोड़ा सा दे दो क्योंकि दोस्तों हम कोई शेफ नहीं है अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी दोस्तों दिल से और ये बात तिकोना पराठा क्या बात है क्या लाजवाब क्या बेहतरीन गुजरात में चलता है हल्का ओ, मेरा खाना तैयार हो गया दोस्तों बहुत ही लाजवाब दोस्तों हमने? बहुत ही टेस्टी कौन से बनाने? वो भी मुसल्लम वो भी तिकोने पराठे के साथ हाँ। वाह क्या बात है क्या बात और ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी और साथ में मूली सलाद में प्याज वाह नींबू का तड़का क्या बात है अच्छा, मैं खाना बना रही हूँ साथ साथ ये भी बना रहे हैं खाना और जितनी देर में खाना बना इन्होंने प्याज मूली सब तैयार कर ली और आज रायता मना कर क्या मना नहीं अब रायते का टाइम क्या भाई और वो क्योंकि गला खराब मौसम बदल गया अभी रायता नहीं मना कर रहे हैं कड़ी क्या बात है लाजवाब बेहतरीन वाह वाह क्या बात है देखिए प्याज देखिए मैंने क्या जबरदस्त हाँ, काटे हैं देखिए होटल टाइप में काट दी हैं बिल्कुल लाजवाब बेहतरीन तो आइए दोस्तों कल मिलेंगे आपसे एक नई हम है रही प्यार की यूं ही कट जाएंगे सफर साथ चलने से के मंजिल आएगी मगर साथ चलने से